विशाल मतदाता जागरूकता यात्रा पचपहाड़ से प्रारंभ। विधानसभा चुनाव के महज 8 दिन शेष बचे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने पक्ष व अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने में व्यस्त हैं। वहीं लिंक से हटकर चलने वाले प्रतिष्ठित युवा समाजसेवी एवं प्रॉपर्टी डीलर सुरेंद्र सिंह बना ने क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाने व उसका उपयोग करने के लिए विशाल मतदाता यात्रा का आयोजन पचपहाड़ तहसील चौराहे से शनिवार को किया, जो आगामी 4-5 दिनों तक पूरे डग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं को अपने अमूल्य वोट के प्रति जागरूक करेंगे। इससे पूर्व सैकड़ों युवाओं व लोगों की उपस्थिति में उप जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया एवं सीआई मांगीलाल यादव ने मतदाता जागरूकता यात्रा को तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व यात्रा के मुख्य आयोजक सुरेंद्र सिंह बना ने कहा कि आप चाहे जिस पार्टी या प्रत्याशी को मतदान करें, परंतु मतदान अवश्य करें, यह आपका अधिकार है। और अगर आपको किसी भी पार्टी या अन्य प्रत्याशी पसंद नहीं है, तब भी मतदान के लिए घर से बाहर निकलें और नोटा का बटन दबाएं, ताकि विभिन्न पार्टियों को भी यह पता लग सके कि उन्होंने जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, उन्हें कितने मतदाता नापसंद करते हैं या वे इस योग्य नहीं थे। सिंह ने कहा कि मेरा तात्पर्य यह कतई नहीं कि आप नोटा पर वोट करें, बल्कि नोटा का महत्व बतलाना मात्र है। सिंह ने बताया कि प्रथम दिन पचपहाड़ तहसील चौराहे से बाबा चौराहे होते हुए मतदाता जागरूकता यात्रा मरलावदा पहुंचेगी तथा दूसरे दिन मरलावदा से क्यासरा, तीसरे दिन क्यासरा से रोजाना एवं अंतिम चौथे दिन रोजाना से उन्हेल नागेश्वर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। पचपहाड़ से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। उन दुर्भाष नंबरों को हम गांव जाति वाई उम्र भाई हर एक तरीके से उनको हम इकट्ठा करेंगे। जब वो सारे दूरभाष नंबर हमारे पास होंगे तो हमारे पास कई सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान उन दूरभाष नंबरों से हम कर पाएंगे। साथियों, इस तरीके की मुहिमों से हम लोग हम सब साथ मिलकर जिस तरीके से सब मिलकर के ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं, दूरभाष नंबर इकट्ठा करना, लोगों को जोड़ना, इन सब चीजों को जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जब हमारे साथ कभी गलत होगा, हमारे बीच जो समस्याएं हैं, जो चाहे उसको हम देखते हैं तो शिक्षा व्यवस्था में कमी हो, चिकित्सा में हो, आर्थिक रूप से हो, कई प्रकार की जो चीजें हैं जिनकी वजह से समाजों में आपसी टकराव पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से मुझे आपको बताते हुए बड़ा दुख होता है कि इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके की अफवाहें फैलती है, उन अफवाहों की वजह से समाज में इस तरीके के टकराव होते हैं, उन टकरावों की वजह से हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में चला जाता है। आज के समय मैं आपको बताऊं, जो सर्वाधिक हमारे युवा है वो 15 से लेकर 18-20 वर्ष के हैं। कम उम्र होने की वजह से, युवाओं में जोश होने की वजह से उस समय उन अफवाहों को ध्यान देते हैं और उन अफवाहों की वजह से उन लोगों से गलती हो जाती है और उस सब गलती में हम सब समाज जिम्मेदार होते हैं। हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हम सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, उसके अलावा और बाकी हमें कुछ नहीं आता है। राजनीति का स्तर आज के समय में क्या है वो सब आपको पता है। हमारी इस मुहिम में हम मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगे। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें ये महसूस करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और एक चीज और हमें विश्व में सबसे ऊपर लेके जाती है कि हम विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। अगर हम युवा खड़े नहीं होंगे साथियों, हम प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सबको साथ मिलकर के हर समस्या का समाधान करना है, हर एक अनूठी नई पहल की शुरुआत करनी है, उसमें हम सबको साथ होना बहुत जरूरी है। हम इस यात्रा के दौरान एक जो नई चीज मतदान प्रक्रिया के अंदर कुछ वर्षों पहले हमारे ईवीएम मशीन में जुड़ी है, वो है नोटा। उस नोटा के महत्व को हम समझाएंगे।
अगर आप, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप किसी उम्मीदवार को या आप किसी पार्टी को वोट ना करें, जो आपकी पसंद है, जिसको आप वोट करना चाहते हैं, जिसका समर्थन आप करते हैं, उसे आप वोट दीजिए। लेकिन उस अगर आपकी वो पसंद और विकल्प नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप घर बैठेंगे, आप घर से निकलिए, जाइए नोटा पे वोट करिए। नोटा आपके राइट टू रिजेक्ट का एक ऑप्शन है। वो उन राजनीतिक दलों को, सरकार को, इन व्यवस्थाओं को और हम सबको वो ये चीज बताता है कि उस पे वोट जाने का मतलब सक्षम उम्मीदवार, सफल उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार क्षेत्र में नहीं थे, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से या जो व्यवस्थाएं हैं उनसे गलती हुई है, उनसे चूक हुई है। आप नोटा पे वोट दे करके आप अपने क्षेत्र की सोच और जो आपके क्षेत्र के साथ जो समस्याएं हैं उनको आप बता सकते हैं। मेरा आग्रह नोटा पे वोट कराना नहीं है, सिर्फ नोटा के महत्व को समझाना है। बाकी जो उम्मीदवार आपकी पसंद है, जो पार्टियां आपकी पसंद है, जिनको भी आप वोट देना चाहें उनको दे सकते हैं। वोट इतना कीमती होता, एक एक वोट से आपने देखा होगा कई मुख्यमंत्री बनते हुए रह गए, कई सरकारें चली गई। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, आपका वोट हमारे देश के विकास के लिए होना चाहिए, आपका वोट आपकी समझ से होना चाहिए, आपका वोट आपकी सूझबूझ से होना चाहिए, आपका वोट विकास के लिए होना चाहिए और आप वोट देने जरूर जाएंगे। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में कि हमारे अंदर कई सारे क्षेत्रों में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके लिए प्रयास ही नहीं करते। प्रयास करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो शायद कई जगह ऐसा होता है कि आप साथ नहीं दे पाते। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सामाजिक जितने भी कार्यक्रम है उन सब में सहभागिता करिए। हम सब मिलकर के जो समस्याएं हैं, जो चीजों की कमी हमारे समाजों में या जो हमारे नागरिक बंधुओं में जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, हम सब मिलकर के उनको पूरा करेंगे। आप सब पधारे, आप हमारी यात्रा में शामिल हुए, मैं अपेक्षा करता हूं कि ये यात्रा में आप सब हमारे साथ इस पूरी यात्रा को पूरी करें और इस यात्रा को सफल बनाएं। और इस यात्रा का उद्देश्य आप सबका समझना ही हमारी इस यात्रा का करने का उद्देश्य है। मैं नहीं कहता हूं कि 1000 आदमी 500 आदमी इस यात्रा में चले, मैं कहता हूं सिर्फ आप इस यात्रा का महत्व तो समझे। मैं गरीब आपके रोड पे चलूंगा, 4 दिन तक चलूंगा, मेरे अपने सारे साथी चलेंगे, आप चलेंगे, हम चलेंगे, हम बताएंगे कि हमें वोट करना है। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, इस क्षेत्र के सभी युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, सब नागरिक बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। सभी को मैं गर्वित होकर के हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूँ। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप हर परिस्थिति में जाकर अपना वोट का उपयोग करें, मताधिकार का उपयोग करें और 18+ जो भी है उम्मीदवार कैंडिडेट जो पत्ते हैं उनको सबको मतदान करने का अधिकार है। आप मतदान करें, मतदान तो जीतना है।